खूबसूरत नज़र आते हैं। इसके पीछे नबीला का और उनकी पूरी टीम का बहुत हाथ है। मैं पिछले 19 साल से मेरे ख्याल नबीला से मेरा मेकअप होता है और इसलिए मैं उनसे बहुत मुतमईन हूँ कि वो नो मेकअप वाली लुक होती है, कि बहुत हैवी मेकअप नहीं, बहुत हैवी आंखें नहीं बनानी, बहुत कंटूरिंग नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जो हमें समझ पाया है वो नबीला और उनकी टीम और बुशरा ही हैं जो पिछले दरअसल 19 साल से मेरा मेकअप कर रही हूँ। और नबीला की गाइडेंस में उनके जितने भी स्टाइलिस्ट हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवैस हों या बाकी जितने भी लोग हैं, सब के सब टीम नबीला के लिए एक क्लैप होनी चाहिए। और नबीला खुद भी खुद ना सिर्फ ऑब्वियसली वो एक टैलेंट और एक फोर्स तो है ही हैं, मगर मुझे उनके साथ काम करने का मज़ा इसलिए आता है बिकॉज जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश हो ना, जो वो नई चीज़ें करना चाह रहे हो और दूसरे लोगों को साथ लेके वो आगे चले, उन लोगों के साथ काम करने का मज़ा भी आता है। बहुत पैशनेट है और उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और मुझे उनके साथ काम करने का ना सिर्फ इस मज़ा इसलिए आता है कि वो काम अच्छा है, मगर मुझे सीखने का भी बहुत कुछ। बिल्कुल, और उनकी टीम खासतौर पर ताबिश, थैंक यू, और ताबिश शहजाद सब लोग बहुत टैलेंटेड है। जी शेरू, बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे कि पहला ड्रेस कब बनाया और किसके लिए बनाया। अच्छा मैं बताता हूँ, बड़ी फनी स्टोरी है रीमा। जब फैशन में मैं आया 1994 में शो मॉडलिंग के लिए मैं गया, क्या हुआ था कि मैं फैशन की जर्नी बताता हूँ अगर इजाजत दें आप। जी जी प्लीज। तो शेरू पे हुआ, तो पूछना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं यूजुअली इस सीट पे होता हूं, उस सीट पे और रीमा इस सीट पे होती है और यूजुअली मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूं और ये मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है, मगर फिर भी कर रहा है, पूछ लो इजाजत की यार, अभी मुझे इसकी आदत डाल रहा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये और होना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं रीमा, मुझे लग रहा है अगर जो भी नेटवर्क्स आ रहे हैं, आप जो नेटवर्क जिस पे भी देख रहे हैं, इन नेटवर्क को भी, आपका वैसे परमानेंट शो होना चाहिए यार, मजा आ रहा है मुझे। आपका परमानेंट शो होना चाहिए। इट्स रियली अ वेरी रिस्पांसिबल जॉब, ये बड़ी जिम्मेदारी वाली जॉब काम है। और मेरा शुरू रमज़ान के हवाले से था, तो आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ के तमाम मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया। और सच बात है कि मुझे था कि रमज़ानुल मुबारक में एक तो आप झूठ नहीं बोलें, तमाम गलत चीज़ों से परहेज़ करें, तो जो सच्चाई और वो जो ईमानदारी के साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ईमैक्स के तमाम देखने वालों को भी मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया, और उस मैनेजमेंट का भी, कि आप लोगों की वजह से एक जिम्मेदारी महसूस हो रही थी कि आप अपनी सलाह कर सकते हैं, आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, आप अच्छी बातों को स्प्रेड कर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे लोगों को बुला सकते हैं, उनकी सच्चाइयाँ, उनकी कामयाबियाँ, उनकी स्ट्रगल आप लोगों के सामने ला सकते हैं। और मुझे ईमान था, मेरा ईमान के इस महीने में एक बरकतें बहुत ज़्यादा, वो हम सबको मालूम है। दूसरा, आपको लगता है कि आप अपने आप को इन्वेंट कर रहे हैं, आप खुद अपने अंदर के इंसान को ढूंढ रहे हैं और उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रिया, तो इसलिए मैंने रमज़ानुल मुबारक की इजाज़त ली, खासतौर पर अपने मियाँ से, अपनी फैमिली से, कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये बड़ी जिम्मेदारी वाली एक जॉब है, ये पोस्ट जहाँ पर आप बैठकर काम करने लगी हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, एक थोड़ा सा एक इतनी सी गलती, इतनी सी जुम्बिश इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, कोई गलत बात ना अदा हो जाए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, तो बहुत कॉन्शियस होकर आपको करना पड़ता है। बट मुझे वही पैशन था, शौक था अपने अंदर की रीमा को ढूंढने का, मगर जो इस जगह पर बैठ के आप जॉब कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट, आप नहीं। बहुत अच्छा कर रहे हैं रीमा, ये आपका ये यू आर अ लवली पर्सन, इसलिए आप इस तरह, व्हेन यू से दिस टू मी इट मींस अ लॉट टू मी, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आई एम द बेस्ट, या मुझे लगता भी मुझे बहुत कुछ सीखने का। जितने बेस्ट होते हैं ना सही मानों में, वो हमेशा यही सोचते हैं जो आप सोच रहे हैं। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। शेरू, शेरू बहुत प्योर इंसान है। मैं बताता हूँ स्टोरी। आपकी बात से, स्टोरी से पहले मैं आंटी से भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आंटी बहुत शुक्रिया, आपने शेरू को कराची भेजा हमारे इंटरव्यू के लिए, और आपको सलाम है, आपकी तरबियत को सलाम है। आपसे मैं इतनी बार मिली हूँ, बिल्कुल एक आपसे मिलकर लगता है मैं अपनी वालदा को हक कर रही हूँ, अपनी वालदा के पास बैठी हूँ। तो आप बहुत ही प्यारी माँ हैं, इसलिए कि आपने इतनी अच्छी तरबियत की अपने बेटों की, और यही है कि आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी हैं उन तमाम माओं के लिए, हमारे लिए भी, कि हम अपने बच्चों की ऐसी ही अच्छी तरबियत करें कि जब वो किसी ख़ास मकाम पर पहुँच जाएँ तो अपने कल को ना भूलें और अपने आज को इतनी इज्जत के साथ, इतनी ग्रेस के साथ लेकर चलें कि उनके वालदैन को उन पर फ़ख्र हो, जो आज हमें शेरू को देख कर फ़ख्र हो रहा है। हाँ जी, वहीं से बातों का सिलसिला।
यार आप इतना अच्छा बोलते, मेरे तो दिल नहीं कर रहा बोलने का, बहुत ही अच्छा बोलते हो। मैं बहुत गलतियां करती हूँ, बट मैं जो बोलती हूँ मुझे बस होता है जो बोलूं मैं दिल से बोलूं, मेरे मेरे कॉल ऑफ फिल्म में तजाद ना। काश मेरा भी दिल इतना एलोक्वेंट होता, बिकॉज अभी वो है नहीं, मगर मैं स्टोरी जरूर बताऊंगा। आपने पूछा मजे का सवाल, तो शुरू से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा सा पता चले कि जर्नी, बहुत से लोग शायद कैसे आप इतने बड़े डिजाइनर बने, कैसे पहला ड्रेस बनाया। मैं बड़ा डिजाइनर तो अभी भी नहीं हूँ, मगर मैं बना इस तरह कि अच्छा यार तो क्या हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। आपको मैंने बताया था कि गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद, आपको मैंने सॉरी इतनी दफा बताई भी, लोगों को भी बताई भी कि मैंने मेरी नज़र ख़राब हो गई थी, और उसके साथ साथ मेरे मुँह के ऊपर 300-350 से ज़्यादा स्टिचेस होंगे, बिल्कुल स्किन मुँह हर चीज़, क्योंकि मैं शीशे के थ्रू गया था, सब कुछ मुँह सब कुछ कट चुका था। तो तब तक तो मेरा पूरा कोशिश थी कि मैं वो बनूं जो हर पेरेंट चाहता है, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर। तो मैंने कहा मैं लॉयर बन जाऊंगा, अम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि बनो, मगर मैं अम्मी को कहता मैं लॉयर बन जाऊंगा, तसल्ली देता था कि यो बड़े होके लॉयर बनूंगा, और देखिए लॉयर का आपकी लॉयर आपका बेटा होगा लॉयर। तब ये एक्सीडेंट हुआ और जब मुझे नज़र वापस आना हुई तो मिक्स फीलिंग्स थी, खूबसूरत दुनिया वापस नज़र आने को मिली, रंग थे, मुझे सिर्फ लाल नज़र आता था, तो मैं जिसकी वजह से रेड कपड़े ज़्यादा इतने बनाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक कलर ऑफ लाइफ है, मगर साथ साथ मुझे अपनी शक्ल भी वापस नज़र आ रही थी जो मुझे नहीं ठीक लगती थी, हर चीज़ कट चुकी थी, निशान थे। तो फैशन में मेरा इतना ज़्यादा डिज़ाइन का इतना दिलचस्पी नहीं थी जितना मुझे था कि मैं अपने आप को वापस खड़ा किस तरह करूँ, अपने आप को मैंने वापस ताकत देनी है, बिकॉज मैंने अपनी वालदा के लिए स्ट्रांग होना है, तो मैं कैसे कहूँगा, अपनी बहन को किस तरह दिखाऊँगा कि तुम्हारा भाई अभी भी वही मजबूत और स्ट्रांग इंसान है, क्यों मैं अपनी फिजिकैलिटी से डरा हुआ हूँ, अपने शक्ल से डरता हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ सिर्फ शक्ल को सेलिब्रेट किया जाता है, और उस वक्त ऑब्वियसली बच्चा था, मैंने कहा मॉडलिंग। तो मैं चला गया एक शो पे जहाँ कास्टिंग हो रही थी, नए नए लोग थे, मुझे आधे मेरी बहन अपने दो दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी, एक का नाम था वनीसा अहमद जो मॉडलिंग करने आई थी, एक का नाम था आमना हक, और दो लड़के थे उनके पास कैमरा था, एक का नाम था अतर और एक का नाम था शहजाद। अफशां की एक और सहेली थी जो कही थी मैंने भी मॉडलिंग करनी है, उसका नाम था ZQ। ये सारे नए नए अभी सब कुछ इंडस्ट्री नई शुरू हो रही थी, और वहाँ मैं पहुँच गया और मैंने कहा जी मैंने तो शो में मॉडलिंग करनी है। ऑफ कोर्स अब सारे देख रहे थे कि अब इसको कोई शीशा दिखा दे कि इसके तो काफ़ी निशान विशान है। मैंने कहा जी आप जो मर्जी कर लें, आप मेरे ऊपर पेंट पोछा जो मर्जी कर लें, मगर मैं अपने आप को प्रूव करूँगा कि मैं किसी के साथ भी खड़ा हो सकता हूँ। आई गेस बचपन में ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं, अब आके मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी होनी भी चाहिए थी, मगर उसकी वजह से एक डिज़ाइनर थी जिनका चार डिज़ाइनर्स का शो था, उनमें से एक डिज़ाइनर थी, उनका नाम है बहुत, मैं बहुत ही ज़्यादा उनकी इज्जत करता हूँ, नीलोफर शाहिद। और नीलोफर से मैंने कहा कि जी मेरे पास बड़े आइडियाज़ हैं, मैं बड़ा आपके लिए कमाल का शो कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप कितने साल के हो? मैंने कहा जी मैं अभी 17 का होने वाला हूँ। उन्होंने कहा 17 के होने वाले हो? मैंने कहा हाँ जी, और मेरे पास तो कमाल आइडियाज़ हैं, आप ये गाना सुने इसके साथ ये होगा, फिर लाइट इस तरह होगी, फिर ये होगा, इस तरह की चीज़ें बता रहा था जो अब मैं कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ बड़े ही कोई खौफनाक आइडियाज़ थे, मगर उस वक्त बड़े मज़े के लग रहे थे। इस तरह मुझे फैशन में उन्होंने मुझे कहा अच्छा मेरा शो कोरियोग्राफ कर दो। मुझे याद है तब नया नया एक अखबार निकला था, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, बट नया बहुत अभी भी बहुत बड़ा अखबार है, उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा मेरे पे और मेरा नाम उन्होंने खत लिख लिया। उन्होंने कहा हसन जहांगीर विल बी बिग वन डे। और मैंने अपनी माँ को कहा अम्मी अभी देख रही है ना मैं अखबार में आ गया हूँ, अब हर अखबार मेरा नाम जानेगा हसन शहरयार यासीन। और उसी जिद पे मैं फैशन में आया हूँ। जब मैंने ग्रेजुएट किया फैशन स्कूल से, तो क्योंकि स्कूल के पैसे मैं खुद दे रहा था और जमा कर रहा था, और फैशन स्कूल बड़ा महंगा है, और साथ हमारी ज़िंदगी भी उसी तरह, हम सारे मेरी बहन भी काम कर रही थी, अम्मी भी कर रही थी, मैं भी कर रहा था। तो स्कूल जब फाइनली ख़त्म हुआ, मैंने स्कूल में आई टॉप माई स्कूल, बड़ा ही मैं अच्छा मेरा काम था, और मैं पूरे दिन रात काम भी करता था, तो टीचर समझती थी पहले पता नहीं कि पागल होगा, मगर मुझे था कि मैंने प्रूव करना है, मगर मुझे कोई जॉब ही ना दे। स्कूल के बाद मुझे कोई एक भी बंदा जॉब ना दे, बिकॉज उस वक्त सोचा ही नहीं जाता था कि लड़का फैशन में, मैं जाता था जो मुझे मैं डिज़ाइन भी देख ले, मैंने जी टॉप की मैं प्लीज़ मुझे ले लें, कोई मुझे ले ना। तो मेरे पास 2500 रुपये था, 2500 रुपये और कुछ था ही नहीं, 2500 रुपये मेरे लिए तब भी लगता था कि पता नहीं क्या मेरे पास रकम है, मगर मैं कहता मैं इसके साथ डिज़ाइनर करूँगा, मैंने किस तरह कपड़ा कहाँ से आएगा क्या होगा। तो
मेरे पास एक रॉकेट की मशीन हुआ करती, तो इस तरह करके नहीं चलती वो। मैं गया, मैंने उसकी 2000 की मोटर आई थी अनारकली से, तो मैं अनारकली गया, वापस आया, मैंने कहा मेरे 2000 तो यहाँ लग गए, और मैं रस्ते में कोई कैंची और धागे वगैरह चीज़ें ले आया हूँ, कपड़े के कोई पैसे नहीं है। तो मैंने कहा सर क्या इरादे हैं, तो मैंने इजाज़त नहीं ली, मैंने इंतज़ार किया कि वो जरा काम पे चली जाएं, फिर मैंने उनके सारे पर्दे और चादरें वगैरह सब कुछ काट के रंग बिरंगे पीले जीने जोड़े काट के मैंने कपड़े स्टिच कर दिए, और एक नई पर्दों से चादरों से तकियों गलाफों से उनकी ट्रिमेशन में काट के मैंने 5 जोड़े बनाए, 5 ऊट पटांग, बिल्कुल मुझे लगे कि बड़ा अच्छा फैशन है। और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मेरे दो दोस्त अभी भी मुझे बिल्कुल भाइयों की तरह है, मुझे इतना प्यार है उनसे, अतर और शहजाद, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक शूट करते हैं। और हमारी अभी एक नई दोस्त थी जो अभी मॉडलिंग में अभी आई नहीं थी, मगर वो चाह रही थी कि वो मॉडल बने, और हमें भी बड़ी पसंद थी, और हमें लगा कि उनके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है। उनका नाम था इमान अली, उन्होंने मेरा शूट किया, और वो शूट पता नहीं किस तरह 4-5 मैगजीन से कवर पे आ गया, हमने भेजा और सबने लगा दिया। मेरे पास कोई क्लाइंट कोई नहीं आया, मगर मेरे पहले 2-3 पर उसके फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, और तब तो कहाँ होते थे जी स्टूडियोज और बड़ी बड़ी दुकानें, और जिस तरह की अब हैं, अब तो इतने लोग आ जाते हैं फौरन पैसे डाल के, सोशल मीडिया ये वो, इस तरह तो कुछ नहीं था। तो मेरे पास पहले जो मेरी क्लाइंट आई थी वो थी ताहिरा सैयद, ताहिरा सैयद जी दीदी, वो आई थी, और उन्होंने एक तस्वीर ली थी, और वो आई थी, और क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की भाभी थी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ ऐड देख के आ गई थी, मगर उन्होंने कहा था बेटे ये जो ऊटपटांग चीज़ बनाई है की है, मैंने कहा दीदी है ये शर्ट है, तेरे नाल है ट्राउजर है, कहते है नहीं चीज, फिर उन्होंने कहा इस तरह मेरे इस तरह कुछ बना के दो। और थोड़ा सा उनकी वजह से, अम्मी के सेंस की वजह से, मेरी बहन की वजह से थोड़ी सी मेरे अंदर कोई ठहराव आया, और फिर मैंने सोचना शुरू किया। जो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले क्लाइंट तो वो आई, मगर मेरे कपड़े के अंदर और मेरे सोच के अंदर इस तरह चेंज आया, बिकॉज मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती थी ये तुम किसके लिए बना रहे हो कपड़े, ये जो तुमने बनाए हैं ये पहनने वाला कौन है, मैं कहता था ये सो एंड सो है, अम्मी कहती नहीं, और अभी भी कहती हैं ये किसी की बहन है, ये किसी की बीवी है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बहू बनेगी, ये किसी की सास होंगी, तुमने इनको उसकी इज्जत, उनको उसी तरह खूबसूरत लिबास बनाना जिसमें वो कंफर्टेबल भी फील कर सकें, जिसमें वो अपने कल्चर के अंदर रहते हुए भी खूबसूरत अपने आप को फील सकें। हर चीज़ दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को दिखाना भी उसके अंदर एक खूबसूरती है, मगर उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कोई भी औरत कहीं भी पहन के वो कंफर्टेबल फील करे, रिस्पेक्टेड फील करे, और ये ना फील करे कि दुनिया उसको एक टेढ़ी नज़र से देख रही है। इसी को करते हुए मैं आज भी जो भी कपड़े बनाता हूँ वो मेरी सोच यही होती है। तभी तो आप मेरे फेवरेट डिजाइनर हैं, आपको पता ही है। आपको पता है आपके आप भी ऐसे ही हैं, जब भी आपने हमने आपके इतने आउटफिट्स किए हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स हो गए या कोई इवेंट हो गया, आपकी शादी के कपड़े, मेरी शादी के, मेरी बहनों की शादी, आपके वलीमे के, सब जब भी आप आई। देखिए आपके साथ मेरी जिस तरह की दोस्ती है उस तरह मैं समझता हूँ कि उससे मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, बिकॉज आप भी मुझे बताती हैं शेरू इस तरह का होना चाहिए, खूबसूरत भी लगे, बिकॉज आपको एक स्टार की एक लुक इस तरह होनी चाहिए, मगर इज्जत वाला भी हो कि इस तरह की स्लीव हो, इस तरह की फिनिशिंग हो। यही तो एक मज़ा है इस इंडस्ट्री का, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे आपके साथ टीवी शोज क्या, मैंने आपसे टीवी शोज से पहले जब आप प्रोजेक्ट कर रही होती तो मैं पीछे भी सेट पे होता था, एज एन असिस्टेंट या बैकअप करके भी खड़ा होता था। मैंने हर चीज़ में, आपने जब फिल्म बनाई उसमें भी, आपने जब गाना किया उसके अंदर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा रिमा। और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपसे सबसे ज़्यादा क्या सीखी है, आपने मुझसे सबसे बड़ी क्या चीज़ सीखी और मैंने आपसे क्या सीखा है, ये सब कुछ जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ कह रहा था, इतना कुछ कह रहा था, कुछ ज्यादा ही।
जब तक उनका माइक सीधा होता है मैं आपको बताता चलूं कि मैं क्या कह रहा था रीमा मैं रीमा के बारे में ही बातें कर रहा हूँ। यूजली मैं रीमा के बारे में ही बातें ज्यादा कर रहा हूँ जब रीमा के होती हैं। मैं अभी ब्रेक में भी उनको कह रहा था कि हमारे पास बहुत से रास्ते आ गए हैं स्टार बनने के, मगर अब सोशल मीडिया ले लें, फिल्में अब आ रही हैं, प्रमोशनल व्हीकल्स हैं, पीआर है, बहुत कुछ है, मगर हम वो उस तरह का एक स्टार जो रीमा है अभी तक मैं समझता हूँ कि इस तरह का स्टार अभी तक नहीं बना। हाँ, बहुत से बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। मैं माहिरा का नाम ज़रूर लूँगा और फवाद का नाम ज़रूर लूँगा जो उन्होंने बहुत मेहनत की, मगर रीमा इज स्टिल रीमा। एंड मैं उसी तुम्हारा जो डेज है ना, तुम्हारा जो एक स्टार का एक पावर है रीमा, उसके नीचे मैं समझता हूँ कि इतनी रोशनी है कि हम लोग सारे वी ऑल गेट लिट अप बाय योर लाइट। Totally, I'm totally indebted, Sheru. Thank no, you no, so much. No, don't be indebted. It's the truth. So, anyway. Thank you. बहुत शुक्रिया. मेरे माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है. हेलो. जी, मैं इसको माइक को यूज़ करती हूँ. अच्छा शेरू, आज के हमारे स्टार सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं. बस ये है कि जिस मेहनत से हम काम करते थे बस उसकी थोड़ी सी कमी महसूस होती है कि अपने काम से उसी तरह ईमानदार हो तो फिर नतीजा कुछ और होगा. हाँ, नो डाउट. देखिए, कुछ लोग बहुत मेहनत से भी काम कर रहे हैं, मगर आई थिंक एक जो स्टार पावर जो होती है वो बहुत कम लोगों को आई थिंक शायद उनके इनबॉर्न होती है, शायद उनके अंदर एक ऐसी कोई खास चीज़ होती है जो दूसरे लोगों के अंदर नहीं होती. ये एक खासियत है. हमारे पाकिस्तान में अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू राइजिंग स्टार्स जो मैं समझता हूँ कि आर अमेजिंग. ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है, वक्त लगता है. ओवरनाइट सक्सेस जो होती है वो शॉर्ट लास्टेड होती है, लंबी नहीं होती. मगर हमारे स्टार्स के पास अभी नया वक्त है जो नई फिल्में बना रहे हैं. मैं भी इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मगर आई स्टिल थिंक दैट व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ स्टार, एंड आई थिंक उनमें से कोई भी ये डिसएग्री नहीं करेगा. मैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से सबको जानता हूँ, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मगर मैं ये कहूँगा कि देयर स्टिल इज ओनली वन रीमा. तारीफ, इतनी तारीफ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. प्लीज एक ब्रेक ले लें, छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे बिकॉज़ आई एम ब्लशिंग. एक ब्रेक ले लें जी. थैंक यू, इतनी तारीफ, थैंक यू सो मच शेरू. नो यार, इट्स ट्रूली हार्टफेल्ट, आई रियली मीन इट. थैंक यू सो मच. एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं. एक बार फिर से आप तमाम देखने वालों को खुश आमदी. तेजस भाई के साथ बातों का सिलसिला जारी है जी. शेरू, हम आपको कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें दिखाएंगे. इनको देखने के बाद आपने बताना है कि आप क्या सोच रखते हैं इनके लिए. ठीक है. ये वन वर्ड फॉर सेलिब्रिटी है जी. फंस तो नहीं जाऊंगा कहीं. लेट्स सी जी. पहली तस्वीर, फर्स्ट पिक्चर, आमना इलियास. बहुत मेहनती और साथ जिस तरह ये अपने स्पेशली अपने रंगत के बारे में कि सिर्फ गोरा होना खूबसूरत नहीं है, और अब इतना ज़्यादा ना सिर्फ दुनिया से मगर जहाँ भी वो खड़ी होती है वो उसको डिमांड करती है कि उसी तरह होनी चाहिए. खूबसूरती जो है वो खूबसूरती है, वो आपके गोरेपन पे नहीं है. ये मैं उसके बारे में बड़ी मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज हमारे लोग इतने ज़्यादा लोग हैं हमारे मुल्क में जो समझते हैं कि सिर्फ गोरा होगा तो प्यारा होगा, और वो पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं वो होने के लिए, मगर उसकी वजह से और प्लस मैं समझता हूँ कि बहुत टैलेंटेड और बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी. वेरी गुड फ्रेंड, वेरी टैलेंटेड. एंड उसकी नई फिल्म आ रही है, ऑल द बेस्ट टू हर. ठीक है जी. नेक्स्ट, आमना शेख. ऐसी आवाज, आपको तो जब आमना की आवाज़ आती है कहीं टेलीविजन के ऊपर, चाहे वो एड हो या कुछ भी चल रहा हो, वो फौरन पहचानी जाती है. प्लस मैंने इसकी आमना की इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं. आई थिंक आमना हैज़ अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन फेस. जिस तरह वो इजहार कर रही होती है गुस्सा,
प्यार, शौक, जो भी उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, मुझे लगता है कि मैं भी महसूस कर रहा हूँ. मैं समझता हूँ एक अच्छे आर्टिस्ट की बहुत बड़ी एक निशानी है. वाकई बहुत प्यारी आवाज और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी आमना की जी. नेक्स्ट माहिरा खान. ओह, आई अडोर माहिरा. मुझे बहुत पसंद है. ना सिर्फ कि शी इज वेरी टैलेंटेड, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है. और मैं उसके अंदर एक इतनी जिस तरह की वो माँ है, वो मुझे आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड विथ हर. एंड प्लस वो इतना, मैं जानता हूँ कि हर बंदा बिजी होता है, मगर रीमा आप जानती हैं कि हर बंदा बिजी होकर इतना एफर्ट नहीं करता कि वापस फ़ोन करे, पूछे, चेक करे, मैं बुलाऊँ तो वो मुझे यू नो तमीज़ और तरीका और ये जो चीज़ें होती ना, ये ख़ानदानीपन जो होता है, ये बड़े कम लोगों में होता है. तो मायरा में कूट कूट के, और मायरा टैलेंटेड भी बहुत है और मुझे बहुत पसंद है. मायरा सबको पसंद है जी. बिल्कुल जी जी. नेक्स्ट सनम सईद. मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ. जब वो मॉडलिंग में आने से पहले बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है इन द वे दैट जो वो चाहती है वो करके दिखाती है. मैं उसके बारे में समझता हूँ कि वो आई रियली अप्रिशिएट दैट अबाउट हर. और एक्टिंग में तो शी इज़ अमेजिंग. मैंने जब भी उसका कुछ भी देखा है, चाहे प्ले हो या उसको मूवी में देखा हो, आई थिंक जब वो सीन में आती है तो मैं सारी फोकस उस पे चली जाती है. आई एब्सोल्युटली अडोर हर. बिल्कुल ठीक जी. जी नेक्स्ट मोहिब. मोहिब चैम पे यार, बड़ा एक कमाल का एक्टर है और बड़ा ना सिर्फ लेजर फोकस्ड है मगर इसके आइडियाज़ बहुत मज़े के हैं. मैं अभी कुछ रिसेंटली इसके साथ अभी कुछ चीज़ डिस्कस कर रहा था, एक काम जो ये कर रहा है, और मुझे उसके साथ बैठ के उसकी एनर्जी के साथ काम सुनने के बारे में भी अगर मुझे मिले तो मुझे लगता है मुझे बहुत मज़ा आता है. और साथ इज्जत बहुत करता है मोहिब के साथ. मैंने देखा जिसके साथ भी काम करता है, स्पेशली मेरे साथ जब भी उसने काम किया, वो इतने इज्जत और इतने तमीज़ के साथ पेश आता है कि उसके काम के, उसके काम में, उसके साथ काम करने टू वर्क विद हिम इज़ अ प्लेजर. और मोहिब और आमना दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं. दैट्स राइट जी. नेक्स्ट. ओह, रेशम. तो रेशम का मैं बताऊं, रेशम ऑब्वियसली मेरी हम सब की पुरानी दोस्त है, मगर रेशम के साथ मेरा इसलिए बहुत ज़्यादा जोड़ा है कि जब हमने पहला जो मैंने शो किया था 1994 में, तब रेशम की पहली फिल्म निकल रही थी और उस शो में वो थी और उसकी अभी फिल्म निकली नहीं थी. तो शी वॉज ऑल्सो न्यू एंड आई वॉज ऑल्सो न्यू. तो हम लोग जो बैक स्टेज भी थे ना, हम दोनों बिल्कुल घबराए हुए नए लोग थे. तो वो जो एक दोस्ती हो जाती है ना, उस वक्त कहते हैं वो भी घबराई हुई थी, मैं भी घबराया हुआ था. अब तो माशाल्लाह शी डज वेल एंड अल्लाह उसको और भी तरक्की दे. तो वो दोस्ती जो है हमारी अब तक वो अच्छी उसी तरह है कि हम लोग वो दिन याद करते हैं कि याद है यार जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम किस तरह एक दूसरे से सपोर्ट ले रहे थे. सो या एंड प्लस वो जब शेर व शायरी पढ़ती है तो बड़ा मजा आता है. बेशक. बिल्कुल ठीक जी. जी नेक्स्ट. ओह, रीमा. जितनी तारीफ करूं उतना कम है जी. ओह माय गॉड. जितना कहूं वो इट्स नॉट इनफ. हमारी सितारा, हमारी यू नो, आपको याद होगा जो लोग नहीं भी जानते, लास्ट ईयर मेरा बहुत बड़ा शो था, 24 साल की मेरी एनिवर्सरी थी और बहुत से सारे मेरे दोस्त, मेरे फैशन के कॉलीग्स वगैरह लोग थे. हमने फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री पढ़ी, उनकी बेटी ने वो भी पढ़ा. हमारे पास हसीन हवेली थी, हमारे पास एक फुल मून था, पूरा चांद निकला हुआ था और हर चीज़ एक तरफ. और फिर रीमा की एंट्री, एंड पे गाना था फरीदा खानम का चांद निकले, मैंने वॉक की और उस पर वो आई थी वॉक करके. और कुछ भी नहीं था, सिंपल वॉक था, हसीन सा सिंपल सा जोड़ा था, ऊपर आसमान पे एक चांद था और दुनिया हमारे जो पूरी ऑडियंस के अंदर एक इतनी खुशी थी. शो का नाम था मोहब्बत नामा और ये मेरा इट वॉज अ थैंक यू टू लाहौर, बिकॉज लाहौर ने मुझे इतना प्यार दिया. मगर उसके साथ साथ लाहौर ने जितना प्यार मेरे हाल से रीमा को भी दिखाया और जितना उन्होंने ऑडियंस को, कि फॉर मी दैट विल ऑलवेज बी माय मोस्ट ट्रेजर्ड मेमोरी. सो रीमा इज फॉर मी मोहब्बत नामा. ओह थैंक यू. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. नेक्स्ट इकरा अजीज. ओह, बहुत टैलेंटेड है. मेरे शो पे आई थी और मैं इतना इम्प्रेस हुआ था इनकी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं
अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा इनको ना सिर्फ इज्जत थी, मगर उनके साथ भी आई हुई थी और उनकी मैं स्टोरी सुन रहा था, और जिस तरह वो प्राउडली अपनी माँ के बारे में मुझे बता रही थी कि उनका काम किस तरह होता है, वो किस तरह मेहनत करती हैं खुद अपनी बेटी को बड़ा करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि जो लोग स्पेशली सिंगल पेरेंट्स उनका काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, और दुनिया को आगे दिखाना भी कि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और एक के अंदर टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, मैं टीवी पर देखता हूँ तो मैं बड़ा इंप्रेस होता हूँ। बिल्कुल ठीक जी। नेक्स्ट यासिर हुसैन। दिल का बड़ा अच्छा है, अच्छा बच्चा है, दिल का अच्छा, वेरी टैलेंटेड। कभी बातें ऐसे कर जाता है जो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। आजकल चल रही है उसकी कॉन्ट्रोवर्सी, मगर मैं जानता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में कॉमेडियन होना आसान काम नहीं है, बिकॉज हम लोग सेंसिटिव लोग हैं और कुछ ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट होते हैं जो नो गोज होते हैं, ये बड़ा एक डिफिकल्ट जगह है इसको मनूवर करना। मगर यू नो आई नो कि मेरे साथ बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत इज्जत रहता है मुझे, और टीवी शो भी कर रहा था, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। नेक्स्ट आयजा खान। आयजा खान, ओ वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड, शो पे आई थी हमारे, मैं तो इसी तरह ज़्यादातर जानता हूँ, मगर मैंने उनका इत्तेफाक से ज़्यादा काम देखने को मुझे मौका शायद नहीं मिला। मैंने सुना बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स काम करती हैं, मगर जब शो पे आई थी तो मुझे बहुत डाउन टू अर्थ एंड बहुत ही प्यारी और बड़ी सिंपल, ज़्यादा ओवर नहीं थी, बहुत नेचुरल थी, और पोजिंग नहीं है, बिल्कुल पोजिंग नहीं थी, और मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत टैलेंटेड जी, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट ओ फवाद खान। मुझे बहुत पसंद है, ऑब्वियसली किसको नहीं है, ही इज अ ग्रेट एक्टर, बट ही इज अ ग्रेट गाय टू। कभी भी जब मैं हमारी we've known each other for some time and हम socially तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, awards show भी मिलते हैं, फवाद कोई भी आई थिंक मैं समझूंगा बड़ा मैं खुश नसीबों के सारे इस तरह से मेरे साथ पेश आते हैं, मगर फवाद कभी स्टार बन के नहीं मिलता, कभी वो ही मीट्स यू वन यू नो लाइक ही वुड मीट एनीवन एल्स, एंड मैं उसके बारे में आई रियली लाइक दैट। बहुत लकी हैं कि वो आपको स्टार बन के नहीं मिलते। अच्छा शायद फिर वो, फिर शायद मैं लकी हूँ। अच्छा मेरे साथ वो इतना कभी इस तरह स्टार बन के नहीं मिला, मेरे साथ वो बहुत ही व्हाट्सएप करके मिले। अच्छा ठीक है, तो but I wish him all the best. I think he's very talented. मैं बड़ा खुश हूँ उसकी नई फिल्म के लिए। I'm sure Paula Jatt will be a huge success. बहुत सारी good wishes फवाद आपके लिए, आपके new project के लिए। जी last picture फहद मुस्तफा। हमारी इतनी एक दूसरे से we've had meetings here and there like project के लिए कुछ मेरे उसको we're not that close as friends, but I think he's very talented. वो जब स्क्रीन पे आता है ना तो ऑल अटेंशन ऑन हिम, एंड मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ उसका नाम था, बिकॉज नॉट बिकॉज वो मेरा दोस्त था। आपको पता है इस इंडस्ट्री में क्या होता है, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है आप अपने दोस्त के पीछे भागते हैं कि यार यू तू ये कर दी तू ये कर दें, मैं इसके पीछे गया था बिकॉज मुझे इसके टैलेंट से बहुत ज़्यादा मैं इंप्रेस था, और ये मैं बहुत कम लोगों के बारे में कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से गया था, मैं जानता भी था, मगर मैं आया था इसके पीछे कि यार तूने मेरे लिए प्रोजेक्ट करना, हमने इकट्ठा काम करना, बिकॉज यू आर सो टैलेंटेड एंड दैट्स अ बिग थिंग, एंड मूवीज में टेलीविजन पे ही इज अमेजिंग। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। फवाद के लिए जबरदस्त क्लैप जी। बिल्कुल, बाकी फवाद ने बहुत बहुत मेहनत की है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। फहद के लिए जी, फहद के लिए, फवाद के लिए, फैसल के लिए, जितने भी हमारे आर्टिस्ट। अच्छा जल्दी जल्दी शेरू, इसके बाद हम पहली सेगमेंट की तरफ जाएंगे। इन अल्फाज को आप अपने अंदाज से आप क्या महसूस करते हैं? हुसन, हुसन, हुसन से आपके जहन में किसका तसव्वुर आता? मेरी, मुझे लगता कि मेरी the most beautiful person to me is my मेरी वालदा, so मेरी वालदा। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट खूबसूरती। खूबसूरती, खूबसूरती, खूबसूरती को कैसे डिफाइन करेंगे आप? खूबसूरती आपकी नज़र में खूबसूरती क्या है? खूबसूरती आपके अंदर, आपके अंदर जो एक ताकत है ना,
वो मैं समझता हूँ आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपके अंदर एक एहसास कि आप कौन हैं, आपके अंदर एक एहसास कि आपने किस तरह दूसरों के अंदर पेश आना है, किस तरह दूसरों की इज्जत करनी है, किस तरह अदब से बात करना है, ये सब कुछ मिलाते हैं ना तो एक इंसान खूबसूरत होता है। आपकी शक्ल नहीं, आपकी आपकी जिस तरह आप दूसरे लोगों के साथ उनको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, ये जो जो इस तरह का इंसान होता है मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। शेरू जल्दी जल्दी दुख दुख होने जरूरी है बिकॉज उनसे इंसान सीखता बहुत कुछ है। ठीक है, वक्त किसी का नहीं है। पैसा जरूरी नहीं है। शोहरत आने जाने वाला खेल है। कमजोरी से डरना नहीं चाहिए। बारिश के अंदर कभी कभी भीग के नहा लेना चाहिए। तन्हाई होती है, कोई बात नहीं। दोस्त बहुत जरूरी है। माँ के बगैर कुछ नहीं। और एक माँ से भी बड़ी एक शख्सियत, माँ से भी बड़ी एक शख्सियत, वो लास्ट है, हमारा नाम खुदा, अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस। देखिए जो उसके अल्लाह मियाँ हर चीज़ है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ताकत, माई स्ट्रेंथ, मेरी होप, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उनके बारे में तो मैं सिर्फ कहूँगा कि I think Allah can read my heart and I think He knows exactly how I feel and जितना मैं कुछ कह भी नहीं सकता। जी बहुत शुक्रिया शेरू के लिए जबरदस्त क्लैप। जी इतने खूबसूरत आपने जवाब दिए। आप अपनी पहेलियों के कार्ड उठा लीजिए, ये हमारा सेगमेंट है पहेली राउंड। इसमें हम अपने प्यारे प्यारे लोगों से पहेलियाँ पूछेंगे, जो सही जवाब देगा वो डेफिनेटली इनाम का हकदार करार पाएगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस सेगमेंट को फर्स्ट स्टेप ने स्पॉन्सर किया। फर्स्ट स्टेप के साथ साथ हमारे स्पॉन्सर्स हैं बेक पार्लर, मास जी, वॉकीज, अल हरमैन हनी, रूट्स स्किन केयर, उमर खयाम, फोटाइल पिज्जा पॉइंट और अल सहला और वर्दा वर्दा। और इसके अलावा पिज्जा पिज्जा 369 एली 14 योर स्पॉन्सर्स आ गए, परफ्यूम्स वाले भी आ गए हैं। जी इतने सारे, अब ये इन सब के इनाम आते हैं। शेरू पहेली पूछेंगे, जो सही जवाब देगा वो इनाम का हकदार करार पाएगा। ठीक है जी शेरू, पहली पहेली। मैं ये पहले बताता चलूं कि उर्दू में लिखा हुआ है और मेरी उर्दू पढ़ने बोलने में तो लोग समझते हैं कि वीक है ये, मैं उर्दू पढ़ने आज में तो खास तौर पे कहा था उर्दू में बोलना है ज्यादा, आपने इंग्लिश में कम बात करनी है। अच्छा, थैंक यू, आपने मेरी मदद करनी जी। एक किला अंदर से गोरा जैसे दूध का कटोरा। एक किला अंदर से गोरा जैसे दूध का कटोरा। आप जी जी बेटा बताए, माइक में बोलो, माइक में बोलो, जल्दी से माइक दो। नारियल। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रावो। बॉकिस की तरफ से दे दीजिए जी। थैंक यू। और हमारी की तरफ से भी गिफ्ट है जी किड्स के लिए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दूसरा पूछें जी। बिल्कुल। अच्छा, तन की लंबी सर की छोटी, सबको करते बोटी बोटी। जी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे आजकल उस छुरी से ज्यादा जुबान की छुरी बहुत तेज है। लोग उससे जो काटते हैं ना, वो काट बहुत तेज है। कांग्रेचुलेशंस जी। बस उसको चलाने से परहेज करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कोशिश करें कि वो ना ही वो वाली छुरी ना इस्तेमाल हो। जी नेक्स्ट। हाथों टोपी धूप पड़ी, जूजू सूखे हुई बड़ी। ये तो है भी मुश्किल। कर्शी की तरफ से है, इसका जवाब है किसी को एक दफा फिर से बताएं। हाथों टोपी धूप पड़ी, जूजू सूखे हुई बड़ी। मुश्किल है वैसे, वाकई वाकई मुश्किल है। हाँ, ये वैसे मुश्किल है ना, मुश्किल है। नेक्स्ट कर ले, नेक्स्ट कर। ओ आया। हाँ बताइए जी बेटा। घास है। हाँ घास नहीं बेटा, घास घास नहीं, घास नहीं। बढ़िया बढ़िया इसका सही जवाब, बढ़िया इसका सही जवाब है। ठीक है नेक्स्ट। इतना मुश्किल था कि मेरे ख्याल से ये, हाँ ये थोड़ा चले, इसका प्राइस तो मुझे दे देना चाहिए। ईस्ट एंड वेस्ट, रीमा आंटी इज द बेस्ट। ओ आनी, रीमा आनी, ओ मेरी जान, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। अब आपने तारीफ कर दिया। हिमानी किड्स की तरफ से हमारे इस प्यारे से बेटे को दे दीजिए जी। इधर तालियां।
बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं तो सब बच्चों को गिफ्ट दे दूंगी। जी नेक्स्ट, खाला चली कोहाट उनकी चुटिया मेरे हाथ। ये खाला ये। चली कोहाट, जी बताइए। नहीं, खाला चली कोहाट उनकी चुटिया मेरे हाथ। पतंग। यस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जी। दे दीजिए, अरे क्लैप होनी चाहिए भैया, आपको भी मिलेगा गिफ्ट। जामिल शीरिंग की तरफ से हमारी इस प्यारी सी बच्ची को दे दीजिए गिफ्ट। जी शेरू, नेक्स्ट बोले तो सही। खाते हैं इसको सब, उसको सब, लेकिन सौदा ना कोई बता सका। लोग खिलाते भी हैं लेकिन उसे ना कोई चख सका। बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। दोबारा मैं पढ़ती हूँ। खाते हैं उसको सब, लेकिन खाते हैं उसको, सब खाते हैं उसको। हाँ, सौदा ना कोई बता सका। लोग खिलाते भी हैं लेकिन, लोग खिलाते भी हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, इसे ना कोई चख सका। बताओ। कसम। यस, LA14 परफ्यूम का गिफ्ट दे दें जी। क्लैप भाई बेटी के लिए। पिज्जा पॉइंट के वाउचर्स जो हैं वो आप सबके साथ जाएंगे, जितने लोगों ने क्लैप बजाई है, और जिन्होंने नहीं बजाई उनके साथ भी जाएंगे। ये हिमानी की तरफ से और अल हरमैन हनी की तरफ से। हमारी आगे जो 3-4 बच्चियां बैठी हैं, प्लीज़ इनको गिफ्ट दे दीजिए। ये इन सबको, ये तमाम बच्चियां जो छोटी छोटी बैठी हुई हैं जी, बिल्कुल इनको दे दीजिए। जी शेरू, हमारे पर बिल्कुल लास्ट टाइम है, क्या कहेंगे आप तमाम देखने वालों को जल्दी से 30 सेकंड्स के अंदर? रमजान मुबारक कहूँगा। ये ना सिर्फ ऑफ कोर्स हमारे लिए एक रिलीजियस बहुत जरूरी वक्त है, मगर साथ साथ ये हमारे पर बड़े अच्छे मौके होते हैं हमारे पास फैमिली के साथ वक्त गुजारने के। जब से रोज़े शुरू हुए हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि इफ्तार पे मैं ना सिर्फ अपनी फैमिली से, अपनी अम्मी से, अपने काम वालों के साथ, मगर अपने दोस्तों को मिलके उनके साथ जो मैं वक्त गुजारता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ रमज़ान में ही हर वक्त होना चाहिए। हमें अपने जिन लोगों का हम प्यार करते हैं, जो लोग हमें प्यार करते हैं, उनके साथ ना सिर्फ टाइम गुजारना मगर एक अच्छा टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ प्लीज अगर आप रख रहे हैं तो हमें सबको, मेरी वालदा को अपनी दुआओं में प्लीज याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया शेरू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शेरू के लिए जबरदस्त क्लैप। और जाते जाते मैं बस, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो जुबान की काट है ना, ये बहुत तेज है। एक लफ्ज़ से किसी का दिल कट जाता है, तो इसलिए बोलते हुए, किसी को कुछ कहते हुए, किसी को कुछ लिखते हुए, हमेशा ये सोचें कि अगर अल्लाह ने आपको उससे ज़्यादा अक्ल अता की है, इल्म अता किया है, या आप उससे बेहतर हैं, तो आप अपने किरदार से भी बेहतर बनने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, ना ज़ुबान से ना अपने हाथ से। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।